नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे ईडियम्स के बारे में। ये हमारा दूसरा सेशन है। पहले हमने आपको 10 ईडियम्स के बारे में बताया था, उनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है और हिंदी से इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है। तो आज हम ऐसे ही 8 और ईडियम्स लेकर आए हैं और आज हम बात करेंगे इन ईडियम्स के बारे में जो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं। नंबर 1, बैड हैबिट्स डाई हार्ड। इसका मतलब हिंदी में होता है कि बुरी आदतें बहुत ही देरी से छूटती हैं और बहुत ही मुश्किल से छूटती हैं। लोग हिंदी में हमेशा कहते हैं कि बुरी आदतें छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, तो उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है कि बैड हैबिट्स डाई हार्ड। नंबर 2, आई विल टेक यू टू दैट इज बैड न्यूज ट्रैवल फास्ट। मतलब बुरी खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। गांव में लोग कहते हैं हमेशा कि बुरी खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। दैट इज ट्रू एंड द मीनिंग फॉर दैट इज बैड न्यूज ट्रैवल फास्ट। एंड नंबर 3, नाउ ए वर्ड इज इनफ टू वॉच। मतलब कि बुद्धिमान को एक ही इशारा ही काफी होता है। हिंदी में कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को एक इशारा ही काफी होता है और इंग्लिश में उसका मतलब होता है कि ए वर्ड इज इनफ टू वाइस, व्हिच इज नंबर 3। नाउ लेट्स रोल टू नंबर 4, व्हिच इज देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। इट मींस देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर मीनिंग इन हिंदी सेज, कहते हैं कि थाली एक हाथ से नहीं बजती है, तो उसका सिंपली मीन्स होता है देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ऑफ कोर्स जहां आग है वहां धुआं है, जहां धुआं है वहां आग है, बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। सो नंबर 5, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। मतलब रोम को बनने में काफी टाइम लगा था, तो उसका हिंदी में मतलब होता है कि किसी भी काम के लिए समय लगता है। जी हाँ, कोई भी काम करने के लिए समय चाहिए, तो उस प्रोवर्ब का मीनिंग होता है रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। देन मूव टू नंबर 6 नाउ, अ रोलिंग स्टोन गैदर snow mass. It means a person who is not contented with anything. I mean, Hindi में उसको बोलेंगे कि जो व्यक्ति किसी भी एक चीज के साथ एक चीज को पूरी तरह से नहीं कर सकता है और चीजों में घूमता रहता है। जो व्यक्ति किसी एक चीज के साथ स्थिर नहीं रह सकता है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग होते हैं किसी एक प्रोफेशन में नहीं रह सकते, उसको बार बार चेंज करते रहते हैं, तो उसके लिए ये प्रोवर्ब बनाया है जिसको कहते हैं रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, व्हिच इज नंबर 6। लेट्स मूव टू नंबर 7, व्हिच इज मच एडो हैव नथिंग। ऑफ कोर्स आपने सुना होगा हिंदी में कहते हैं कि ऊंची दुकान फीके पकवान। जी हाँ, दैट्स द मीनिंग फॉर दैट मच एडो हैव नथिंग। Now roll to number 8, which is an empty vessel sounds noise, yes, and also known as self praise no recommendations, means जो लोग के पास कुछ नहीं होता है वो लोग ज्यादा आवाज करते हैं। मतलब हिंदी में कहते हैं कि सिक्का और खाली पॉकेट, आई मीन जब पॉकेट में सिर्फ सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, तो वो ज़्यादा नॉइस करते हैं बजाय ही करेंसी के नोट के। तो उसका सिमिलर मीनिंग यही है, जब बर्तन खाली होता है तो उसमें वो आवाज़ ज़्यादा करता है। और जिस व्यक्ति के पास टैलेंट या दिमाग की कमी होती है या कुछ भी या पैसे की कमी होती है, तो अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ करता है, तो उसका मतलब ये होता है कि एन एम्प्टी वेसल साउंड्स नॉइज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर्स Like, share and subscribe to my channel, and there will be a lot of video coming up. And thank you very much and have fun. Cheers.